नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाशिवरात्रि के बारे में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 11 मार्च 2021 के दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को पूरे साल महाशिवरात्रि के दिन का इंतज़ार रहता है। इस दिन को लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए शिव भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यह पर्व बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन शिव जी को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करके आप अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। महाशिवरात्रि पर कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। सबसे ज़रूरी और ध्यान में रखने की बात है कि अगर आप शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और हो सके तो गर्म पानी से, थोड़ा गुनगुने पानी से स्नान करें। उससे हमारे शरीर की सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। उसके बाद नए वस्त्र पहनने चाहिए, नए नहीं हैं तो साफ़ सुथरे कपड़े ज़रूर पहने। उसके बाद मंदिर जाना चाहिए। इस दिन शिवलिंग का पूजन अवश्य करें, क्योंकि इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी कि दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें, क्योंकि बेर शिवजी का सबसे प्रिय फल है और वो चिरकाल का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफ़ेद रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के ही फूल सबसे प्रिय हैं। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफ़ेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का टीका या तिलक नहीं लगाना चाहिए, लेकिन माता पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव जी को जरूर अर्पित करना चाहिए, उन्हें जरूर चढ़ाना चाहिए। और हमेशा याद रहे, बेलपत्र चढ़ाते समय जो डंठल है वो आपकी तरफ होना चाहिए और बेलपत्र कभी भी टूटा या कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत होना चाहिए। और भगवान शिव को अक्षत भी जरूर चढ़ाना चाहिए। अक्षत चढ़ाते समय आप ये इस बात का ध्यान रखें कि चावल जरा से भी टूटे हुए ना हों, पूरे समूचे चावल हों। अक्षत का मतलब होता है अटूट, यह एक पूर्णता का प्रतीक होता है। इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह जरूर देख लें कि चावल टूटे ना हों। और इस दिन रात्रि में भगवान शिव का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ नंदी जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शिव जी की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी का रूप माना जाता है जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं। शिवरात्रि के दिन शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए, इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। जिन लोगों का विवाह नहीं होता उनके विवाह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि महाशिवरात्रि पर वो क्या चीज़ें हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि दूध हमेशा कच्चा होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। दूध
या जल चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि जिस बर्तन में आप जल या दूध चढ़ा रहे हैं वो सोने का, चांदी का या फिर तांबे का हो। स्टील का या प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवजी को भूल कर भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को पशुपतिनाथ भी कहते हैं। महाशिवरात्रि पर भूल कर भी किसी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। और इस दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र यानी कि कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काले रंग के कपड़े धारण करना इस दिन बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन हमें भूल कर भी घर में कलह कलेश नहीं करना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द बोलने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिसे आप अपनाएं, जिससे आप पर और आपके परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।